खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा देवी देवताओं के अवतार उत्तर प्रदेश में हुए और उत्तर प्रदेश के निवासी देवी देवताओं पर आश्रित होते हुए पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। ऐसे में उनकी देवी देवताओं को छत या खंडित किया जाए तो हिंदू धर्म की अवहेलना होती है। इसी के चलते जनपद मैनपुरी के कस्बा भो गांव के मोहल्ला गड्ढा में स्थित हनुमान जी एवं मां दुर्गा की एक मंदिर में रखी मूर्ति को अज्ञात अराजक तत्वों ने मूर्तियों खंडित कर दिया। मंदिर के सर्वाकार जब जन्माष्टमी के बाद मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो मंदिर से मूर्ति गायब थी। स्थानीय लोगों से पता किया तो किसी को इस विषय में कोई जानकारी नहीं। मंदिर के सर्वाकार कृपा शंकर मिश्रा ने स्थानीय लोगों से मूर्ति को ढूंढने की गुहार लगाई। उसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से मूर्ति को ढूंढने का प्रयास किया तो मंदिर से दूर जाकर एक खेत में खंडित अवस्था में पड़ी मिली। जब इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो मौके पर जाकर जानकारी हासिल की। मंदिर के कुछ अराजक तत्व जुआ खेलते हुए भी पाए गए, जिनको पुलिस ने शक के आधार पर हिरासत में ले लिया और अभी पूछताछ जारी है। क्या नाम है आपका? कृपा शंकर मिश्रा। ये बताइए, ये जगह कौन सी यहाँ पर आप खड़े हैं? ये हमारी जगह है, मोहल्ला गड्ढा। क्या मामला क्या है पूरा यहाँ पर? हम कल पूजा करने के लिए आए जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, तो ये मूर्तियाँ मिली नहीं मंदिर में। जब काफी लोगों ने देखा इधर उधर, तब कहीं कहीं एक मूर्ति मिली टूटी हुई, हनुमान जी की मूर्ति सही मिली, और ये किसी ने क्या किया ये पता नहीं। दूसरी मूर्ति है एक देवी जी की, वो बिल्कुल टूटी है। वो कहाँ मिली थी आपको टूटी? वो काफी दूर पड़ी मिली खेतों में, वहाँ से आप उठा कर लाए। हाँ, थाने में मामला दर्ज करा दिया आपने? नहीं, अब जाएंगे। क्यों? हमारा लड़का कैंसर से पीड़ित, हम कल रात जैसे तैसे टाइम निकाल के आए थे, और बस अब जाएंगे थाने में रिपोर्ट लिखाएंगे।